गरुड़ पुराण के धर्म कांड में बालकों की अंत्येष्टि क्रिया का स्वरूप, सतपुत्र की महिमा तथा ओरस और क्षेत्र जाति पुत्र द्वारा अंत्येष्टि करने का फल। श्री विष्णु का ही गरुड़, इसके बाद अब मैं पुरुष स्त्री का निर्णय कहूंगा। बालक जीवित अथवा मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, 5 वर्ष से अधिक अवस्था हो जाने पर उसमें पुरुषत्व प्रतिष्ठित हो जाता है। वह अपनी समस्त इंद्रियों को जान लेता है और रूप तथा कुरूप के विपर्य को जानने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। पूर्व जन्म अर्जित कर्म फल से प्राणियों का वध और बंधन होता है। पाप ही सभी लोगों को नष्ट करता है। हे पक्षीराज, गर्भ के नष्ट होने पर कोई उधर देही क्रिया नहीं है। शिशु की मृत्यु होने पर दुग्ध का दान देना चाहिए। शैशव के बाद की अवस्था में बालक की मृत्यु होने पर पायस तथा खीर का दान देना चाहिए। कुमार की अवस्था में मृत्यु होने पर एकादशा, द्वादशा, वृष, सर्ग तथा महादान को छोड़कर अन्य सभी उधर देही कृत्य करने का आदेश किया गया है। मरे हुए कुमार और बालकों के निमित्त भोजन, वस्त्र तथा विष्ट देना चाहिए। बाल, वृद्ध अथवा तरुण के मरने पर घट बंधन करना चाहिए। हे खाकश्रेष्ठ, 2 माह क्रम 2 वर्ष तक के बालक की मृत्यु होने पर उसको पृथ्वी में गड्ढा खोदकर काट देना चाहिए। इससे अधिक आयु वाले वृद्ध बालक के लिए दाह संस्कार का ही विधान है। सभी शास्त्रों में जन्म से लेकर दांत निकालने तक की अवस्था वाले बच्चे को शिशु, चूड़ाकरण संस्कार तक की अवस्था वाले को बालक तथा उपनयन संस्कार तक की आयु वाले को कुमार कहा गया है। हे करोड़, उपनयन संस्कार का विधान न होने के कारण शूद्र आदि का अंतिम संस्कार कैसे होना चाहिए? ये संशय है। गर्भाधान में 9 मास तक के काल को छोड़कर 16 मास तक के बच्चे को शिशु, 27 मास तक की अवस्था प्राप्त बच्चे को बालक, 5 वर्ष की आयु वाले को कुमार, 9 वर्ष वाले को पुगंड, 16 वर्ष वाले को किशोर तथा उसके बाद का यौवन काल है। 5 वर्ष की अल्पायु में मृत कुमार, चाहे उसका व्रत बंद हुआ हो अथवा ना हुआ हो, वे पूर्व कथित विधान के अनुसार 10 पिंड कृत्य की कामना करता है। स्वल्प कर्म, स्वल्प प्रसंग, स्वल्प विषय बंधन, स्वल्प शरीर तथा स्वल्प वस्त्र के कारण प्राणी स्वल्प क्रिया की इच्छा करता है। जीव जब तक वृद्धि की ओर बढ़ रहा हो, जब तक वह संसारिक विषय वासनाओं से घिरा हो, तब तक उसे अपने उस मृत परिजन को वे सभी भोज्य पदार्थ और आवश्यक वस्तुएं देनी चाहिए जो उसके लिए उपजीव्य और इच्छित थी। हे खगेश, चाहे बालक हो या वृद्ध हो अथवा युवा हो, सभी प्राणी घट की इच्छा करते हैं। सर्वत्रगामी देही जीवात्मा सदैव सुख दुख का अनुभव करता है। जिस प्रकार सांप अपने प्राणी कैंचुल का प्रत्याग कर देता है, उसी प्रकार जीव अपने प्राणी शरीर का प्रत्याग करके अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला होकर तथा वायुभूत होकर भूख से पीड़ित हो जाता है। अतः बालक की भी मृत्यु होने पर निश्चित ही दान देना चाहिए। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि में मना हुआ प्राणी दान में दिए गए असंस्कृत भोजन का उपभोग करता है। यदि 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक की मृत्यु हो जाती है, तो वृष, उत्सर्ग और स्पिंडीकरण को छोड़कर द्वादशा के आने तक षोडश श्राद्ध करने चाहिए। उस दिन यथाक्रम खीर से बने पिंड का दान देना चाहिए। यह पिंडदान गुड़ से भी किया जा सकता है। उसी दिन सानुदक, कुंभ और पद दान देना चाहिए। ब्राह्मण की भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति महादान आदि भी करने चाहिए। पक्षी श्रेष्ठ, दीप दान आदि जो कुछ शेष कर्म हैं, उन्हें 5 वर्ष से अधिक आयु वाले कुमार के मृत्यु होने पर करना चाहिए। हे पक्षीराज, व्रत भंग अर्थात यज्ञोपवीत होने से पहले जिसका मरण हुआ है, उसके संतृप्ति के लिए पूर्वोक्त कर्म करना चाहिए। यदि मनुष्य के द्वार सारी क्रिया नहीं की जाती, तो वह जीव पिशाच हो जाता है। व्रत बंध के पूर्व मृत बालक के लिए पूर्वोक्त सब कर्म करने चाहिए। इसके बाद स्वाहा शब्द से समन्वित मंत्र के द्वारा षोडश एकोदिश श्राद्ध करें।
रिजु कुश से श्वेत तिल के द्वारा अपसव्य होकर समस्त क्रिया करने से पितृगण परम तृप्ति को प्राप्त करते हैं और दीर्घायु होकर पुनः अपने ही कुल में जन्म लेते हैं। सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला पुत्र माता पिता के प्रेम का अधिवर्धन होता है, जैसे एक आकाश, एक चंद्र और एक आदित्य आश्रय भेद से पृथक पृथक घट आदि में दिखाई देते हैं, वैसे ही पिता का आत्मा सभी पुत्रों में सदैव विचरण करता रहता है। जिसकी जो प्रकृति शुक्र शोनित संगम के पूर्व होती है, वही पुत्रों में आकर सन्निहित हो जाती है। वैसे ही वे अपने जीवन में कर्म करते हैं। किसी का पुत्र पिता का रूप लेकर उत्पन्न होता है। पिता की अपेक्षा कोई अत्याधिक रूपवान, गुणवान और दानपरायण होता है। इस संसार में कोई भी प्राणी एक समान नहीं हुआ है और ना होगा। अंधे से अंधा, गूंगे से गूंगा, बहरे से बहरा तथा विद्वान से विद्वान जन्म नहीं लेता है। इस सृष्टि में कहीं भी अनुरूपता दिखाई नहीं देती है। तो गरुड़ ने कहा, ओरस और क्षेत्रज आदि 10 प्रकार के पुत्र माने गए हैं। जो संग्रहित कहीं से प्राप्त तथा दासी से उत्पन्न हुआ है, उससे मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? मृत्यु के वश में गए हुए प्राणी को उस पुत्र से कौन सी गति प्राप्त होती है? जिस व्यक्ति के न पुत्री है, न पुत्र है, न दोत्र है, उसका श्राद्ध किसके द्वारा किस विधि से होना चाहिए? तो भगवान जी ने कहा है, गरुड़, पुत्र के मुख को देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र को देखने से मनुष्य को 3 ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र के होने से व्यक्ति को अनंत्य लोक और सर की प्राप्ति होती है। जो क्षेत्रज पुत्र हैं, वे पिता को मात्र लौकिक सुख प्रदान करने में समर्थ होते हैं और उस पुत्र को विधिवत पार्वन श्राद्ध करना चाहिए। अन्य पुत्र एक उद्देश्य श्राद्ध करते हैं, पार्वन नहीं। ब्राह्म विवाह के नियमों से वास्ता स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता को स्वर्ग ले जाता है, संग्रहित हुए प्राणी को अधोगति में ले जाता है। यदि वह सामसिक श्राद्ध करता है तो उससे पिता को नरक की प्राप्ति होती है। अन्नदान के अतिरिक्त वह सब प्रकार का दान अपने पालक पिता के लिए कर सकता है। संग्रहित पुत्र को एक उद्देश्य श्राद्ध ही करना चाहिए, पार्वन नहीं। माता पिता के लिए वार्षिक श्राद्ध करके वह पाप से लिप्त नहीं होता। यदि वह एक उद्देश्य श्राद्ध का परित्याग करके पार्वन श्राद्ध करता है तो अपने को और पितरों को यमलोक पहुंचाता है। जो संग्रहित पुत्र और दासी से उत्पन्न हुए पुत्र आदि हैं, उन्हें तीर्थ में जाकर पितृ श्राद्ध करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। यही संग्रहित पुत्र पाक श्राद्ध करता है तो उसके श्राद्ध को वैसे ही वृथा समझना चाहिए जैसे शूद्र अन्न से द्विजत्व नष्ट हो जाता है। वे श्राद्ध परलोक में गए हुए पिता पिता में आदि पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाता। हे पक्षी श्रेष्ठ, ऐसा जानकर व्यक्ति को हीन जाति में उत्पन्न हुए पुत्रों का परित्याग कर देना चाहिए। यदि ब्राह्मणी के गर्भ से ब्राह्मण के द्वारा पुत्र उत्पन्न किया जाता है तो वह चंडाल से भी नीच होता है। जो पुत्र सन्यासी से जन्म लेता है या शूद्र से ब्राह्मणी के गर्भ में उत्पन्न होता है तो ऐसे पुत्र को तुम चंडाल समझो। जो सगोत्रा कन्या से जन्म ग्रहण करता है वह भी चंडाल हो जाता है। हे खगेश्वर, यथाविधान विवाहिता स्त्री से पुत्र पैदा करके व्यक्ति स्वर्ग जाता है। ऐसे सदाचारी पुत्रों के आचरण से मनुष्य को सुख की प्राप्ति निश्चित है। जो दुराचारी पुत्र है वे अपने कुत्सित आचरण से पिता को नरक में ले जाता है। हीन जाति से उत्पन्न हुआ सदाचारी पुत्र अपने माता पिता को सुख प्रदान करता है। जो मनुष्य कली काल के पाप से निर्मुक्त है, सिद्ध जनों से पूजित है, देवलोक की अप्सराओं के द्वारा सम्मान में ढुलाए जा रहे चवर और पहनाई गई माला से शोभित है, वे अकेले ही 100 पितरों तक नरक में गए हुए बंधु बांधुओं, पुत्र पौत्रों और प्रपौत्रों का उद्धार कर देता है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड में स्पंदीकरण श्राद्ध का महत्व, प्रतिवर्ष विहित मासिक श्राद्ध आदि की अनिवार्यता, पति पत्नी के सैमरण आदि की विशेष परिस्थिति में पाक एवं पिंडदान आदि की विभिन्न व्यवस्था का निरूपण
तथा बभ्रुवाहन की कथा। गरुड़ जी ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करके ये बताइए कि मरे हुए प्राणियों का स्पिंडकर्म किस समय करना चाहिए। स्पिंडकर्म होने पर प्रेत कैसी गति प्राप्त करता है और जिस प्रेत का स्पिंडकर्म नहीं होता उसकी कैसी गति होती है। स्त्री और पुरुष का किसके साथ स्पिंडकर्म होना चाहिए। हे श्रेष्ठ, स्त्री और पुरुष एक साथ स्पिंडकर्म के भागीदार बनकर कैसे उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं। पति के जीवित रहते हुए स्त्रियों का स्पिंडीकरण कैसे हो सकता है। वे किस प्रकार पति लोक या स्वर्ग को जाती हैं। अग्नेरोहण हो जाने पर स्त्रियों का श्राद्ध कैसे होता है। उनका वृक्ष उत्सर्ग किस प्रकार से किया जाए। हे स्वामी, स्पिंडकरण हो जाने पर मृतक के लिए घट दान कैसे हो। हे हरे, आप संसार के कल्याणार्थ इसे बताने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पक्षिन, जिस प्रकार स्पिंडीकरण होता है वैसे ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। हे खगराज, जब मनुष्य मरने के बाद एक वर्ष की महापथ यात्रा करता है तो पुत्र पोत्र आदि के द्वारा स्पिंडकरण हो जाने पर वह पितृलोक में चला जाता है। इसलिए पुत्र को पिता का स्पिंडकरण करना चाहिए। वर्ष के पूर्ण हो जाने पर पिंड प्रवेशन अर्थात स्पिंडीकरण करना चाहिए। हे पक्षियों के सिंह, वर्ष के अंत में निश्चित रूप से प्रेत पिंड का मिलन होता है। पितृपिंडों के साथ प्रेत पिंड का सम्मिलन हो जाने पर वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह प्रेत नाम का परित्याग करके पितृगण हो जाता है। अपने गोत्र या स्पिंड में जितने लोगों को अशोच शास्त्र के अनुसार होता है उनके यहां यदि विवाह या कोई शुभ कार्य होना है तो तीसरे पक्ष या 6 मास में भी स्पिंडीकरण किया जा सकता है। हे खगेश्वर, ग्रस्त के घर में यदि किसी का मरण हुआ हो तो विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। जब तक स्पिंडीकरण नहीं हो जाता है तब तक भिक्षुक उस घर की भिक्षा को स्वीकार नहीं करता है। अपने गोत्र में अशोच तब तक रहता है जब तक पिंड का मेलन नहीं हो जाता है। पिंड मेलन होने पर प्रेत शब्द निवृत्त हो जाता है। कुल धर्म अनंत है, पुरुष की आयु क्षयशील है और शीर नाशवान है। इस कारण 12वां दिन ही स्पिंडीकरण कर्म के लिए प्रशस्त समय होता है। मृत व्यक्ति अग्निहोत्री रहा हो अथवा ना रहा हो उसका स्पिंडीकरण द्वादशा को ही कर देना चाहिए। तत्वदृष्टा ऋषियों ने 12वें दिन तीसरे पक्ष में 6 मास में अथवा वर्ष पूर्ण होने पर स्पिंडीकरण का विधान किया है। पुत्रवान का स्पिंडीकरण के बाद कभी भी एकोदिष्ट नहीं करना चाहिए। स्पिंडीकरण के पश्चात जहां जहां श्राद्ध किया जाए पुत्रवान का एकोदिष्ट कभी ना किया जाए। वहां वहां 3-3 श्राद्ध पार्वन श्राद्ध करने आवश्यक हैं, अन्यथा कर्ता पितृघातक कहलाता है। अशक्त होने पर भी पार्वन श्राद्ध करवाना चाहिए, ऐसा मुनियों ने कहा है। यदि दिन और मास ना ज्ञात हो तो उसका पार्वन श्राद्ध ही करना उचित है। पितरों के साथ वह पिता इस लोक में पुत्र के द्वारा दिए गए दान का फल तब तक नहीं प्राप्त करता जब तक उसके शीर की उत्पत्ति पुनः दशगात्र के पिंड से नहीं हो जाती। ऐसी स्थिति में पुत्र द्वारा किए गए इन्हीं 16 श्राद्धों से प्रेत यम पाश के बंधन से मुक्त होता है। पुत्र रहित पुरुष का स्पिंडीकरण नहीं करना चाहिए। पति के जीवित रहने पर स्त्री का भी स्पिंडन नहीं होना चाहिए। जिस कन्या का विवाह ब्रह्म आदि विवाह विधि से हुआ है उसकी पिंडों तक क्रियाएं पति के गोत्र से करनी चाहिए। आसुर आदि विधि से जिसका विवाह हुआ है उसकी पिंडों तक क्रिया पिता के गोत्र से करनी चाहिए। पिता का स्पिंडीकरण सदैव पुत्र करे। यदि पुत्र नहीं है तो स्वयं उसकी पत्नी उस क्रिया का निर्वाह करे। उसके भी न रहने पर सहोदर भाई, भाई का पुत्र अथवा शिष्य स्पिंडीकरण कर सकता है। स्पिंडीकरण करके वह नादीमुख श्राद्ध करे। हे खग, पुत्र ना रहने पर ज्येष्ठ भाई का स्पिंडीकरण कनिष्ठ भाई करे। उसके अभाव में भतीजा या पत्नी
उस कर्म को संपन्न करे। मनु ने कहा है कि यदि सहोदर भाइयों में से एक भी भाई पुत्रवान हो जाए तो उसी पुत्र से अन्य सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। यदि सभी भाई पुत्रहीन हैं तो उसका स्पिंडीकरण उसकी पत्नी को करना चाहिए, अथवा वह पत्नी स्वयं न करके ऋतिक से या पुरोहित से कराए। चूड़ाकरण एवं उपनयन संस्कार से संस्कृत पुत्र पिता के श्राद्ध को नुक्त करे। जिस पुत्र का उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, केवल चूड़ाकरण संस्कार हुआ है, वे श्राद्ध में श्रद्धा का उच्चारण तो कर सकता है पर वेद मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता। स्त्री का स्पिंडीकरण उसके पति ससुर तथा पर ससुर के साथ करना चाहिए। स्त्री जाति का यह कर्म भतीजा तथा सहोदर छोटा भाई भी कर सकता है। संवत्सर पूर्ण होने के पहले अथवा वर्ष के पूर्ण होने पर दूसरे वर्ष की संधि काल में जिन प्रेतों का स्पिंडीकरण होता है उनकी क्रिया पृथक नहीं की जाती है। हे वत्स, स्पिंडकरण हो जाने के पश्चात पृथक क्रिया करना निंदनीय माना गया है। जो व्यक्ति अपने पिता को पृथक पिंडदान देता है वह पितृहंता होता है। स्पिंडीकरण के बाद पृथक श्राद्ध उचित नहीं है। यदि कोई पृथक पिंडदान करता है तो वह पुनः स्पिंडीकरण करे। जो मनुष्य स्पिंडीकरण करके एक उद्देश्य श्राद्ध करता है वह स्वयं को तथा प्रेत को यमराज के अधीन कर देता है। हे पक्षिन, वर्ष पर्यंत प्रेत से संबंधित जो भी क्रिया की जाए उसके नाम और गोत्र के सहित विद्वान व्यक्ति करे। स्पिंडीकरण कर देने पर भोजन और घट आदि का दान, पाददान तथा अन्य जो दान हैं उन्हें एक को वृद्ध व्यक्ति को ही उद्देश्य करके देने चाहिए। वर्ष भर के लिए अन्न और जल पूर्ण घट आदि की संख्या का निर्धारण करके ब्राह्मण को प्रदान करे। पिंडदान देने के पश्चात यथाशक्ति वर्ष भर के लिए उपयोगी समस्त सामग्री दान में दे। ऐसा होने पर मृत व्यक्ति दिव्य देह धारण करके विमान द्वारा सुखपूर्वक यमलोक चला जाता है। पिता के जीवित रहने के कारण मृत पुत्र का पिता के साथ स्पिंडीकरण नहीं हो सकता, अर्थात उसका स्पिंडीकरण पिता में आदि के साथ होगा। ऐसा ही पति के जीवित होने पर स्त्रियों का स्पिंडीकरण उनके ससुर आदि के साथ होगा। पति की मृत्यु हो जाने के बाद चौथे दिन जो पतिव्रता स्त्री अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर देती है उसका वृषोत्सर्ग आदि कर्म पति की क्रिया के ही 10 दिन क्रिया के ही दिन करना चाहिए। पुत्री का पुत्र उत्पत्ति के पूर्व पति के गोत्र वाली होती है। पुत्र उत्पत्ति के बाद वह पुनः पिता के गोत्र में आ जाती है। पुत्री का उस कन्या को कहते हैं जिस कन्या का पिता विवाह के समय जमाता से ये तय कर लेता है कि इस कन्या से जो पुत्र होगा वह मेरा पुत्र होगा। यदि स्त्री अपने पति के साथ अग्नि में आरोहण करती है तो उसकी उसके पति के साथ समस्त उधर देही क्रिया करनी चाहिए, किंतु शैतिथि में पुत्र को उसका श्राद्ध पृथक रूप से करना चाहिए। यदि पति पत्नी पुत्र रहित है और ये दोनों एक ही दिन मर जाते हैं तथा उसका दाह संस्कार एक ही चिता पर होता है तो उन दोनों के श्राद्धों को पृथक पृथक करना चाहिए, किंतु पत्नी का स्पिंडीकरण पति के साथ ही होगा। यदि पति के साथ पत्नी का पिंडदान पृथक पृथक होता है तो उस पिंडदान से वह दंपति पाप लिप्त नहीं होता, ये मेरा सत्य वचन है। यदि पति पत्नी दोनों एक ही चिता पर दाह संस्कार होता है तो उन दोनों के लिए पाक एक ही साथ बनाया जाए, किंतु पिंडदान पृथक पृथक होने चाहिए। एकादशा को वृषोत्सर्ग, षोडश प्रिय श्राद्ध, घट आदि का दान, पददान और जो महादान है उन्हें पति पत्नी का वर्ष पर्यंत पृथक पृथक ही कामना करनी चाहिए। ऐसा करने से प्रेत को चिरकालीन संतृप्ति प्राप्त होती है। एक गोत्र से संबंधित एक साथ मरे हुए स्त्री अथवा पुरुष से संबंध कृत्य में आहुति की विधि एक ही होनी चाहिए, किंतु होम पृथक पृथक होना चाहिए। पति एवं पत्नी का एक साथ मरण होने पर उनका एकादशा का श्राद्ध एवं उनके निमित्त पिंडदान भोजन आदि पृथक पृथक होगा, पर पाक की व्यवस्था एक ही होगी। ये विधान केवल पति पत्नी के एक साथ मरण में ही है, अन्य किसी के मरण में ऐसा विधान ग्रहित है।
पुत्र माता पिता के लिए एक ही पाक से यथाविधान श्राद्ध करता है। विकीर अन्नदान एक और पिंडदान पृथक पृथक करने चाहिए। इस विधि का पालन तीर्थ पितृपक्ष अथवा चंद्र और सूर्य ग्रहण के अवसर में भी होना चाहिए। जब स्त्री अपने मृत पति के साथ अग्नि में जलती है तो अग्नि उसके शरीर को अवश्य जला देती है किंतु आत्मा को कष्ट नहीं दे सक पाती है। जिस प्रकार अग्नि में प्रज्वलित धातुओं का मात्र मल ही जलता है उसी प्रकार अमृत के समान अग्नि में प्रविष्ट हुई नारी का शरीर दग्ध होता है, पुरुष शुद्ध होकर दिव्य देहधारी हो जाता है। जिसके कारण वह खोलते हुए तेल देखते हुए लो और अग्नि से कदापि नहीं जलता। इसी प्रकार पति के साथ चिता में जली हुई स्त्री को कभी जला हुआ नहीं मानना चाहिए क्योंकि उसकी अंतरात्मा मरे हुए पति की अंतरात्मा से मिलकर एक हो जाती है। यदि स्त्री पति का साथ छोड़कर उसके अन्यत्र अपने प्राणों का परित्याग करती है तो वह पति लोक में तब तक नहीं पहुंच पाती जब तक परले नहीं हो जाता। धन दौलत से युक्त माता पिता को छोड़कर जो स्त्री अपने मरे हुए पति का अनुगमन करती है वे चिरकाल तक सुख भोग करती है। वे पति संयुक्ता नारी उस स्वर्ग में 3.5 करोड़ दिव्य वर्षों तक नक्षत्रों के साथ स्वर्ग में रहकर अंत में महती प्रीति प्राप्त करके ऐश्वर्य संबंध कुल में उत्पन्न होती है। धर्मपूर्वक विवाहिता जो स्त्री यदि पति संगति नहीं करती है तो जन्म जन्मांतर तक दुखी दुशीला और अप्रिय वातनी होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष की अनिगामनी हो जाती है वे अन्य जन्म में चमगिदड़ी छिपकली मोहिनी गोहिनी अथवा द्विमुखी सर्पणी होती है। अतः स्त्री को मन वाणी और कर्म इन सभी के द्वारा प्रयत्न पूर्वक अपने मृत या जीवित पति की सेवा करनी चाहिए। पति के जीवित रहते हुए अथवा उसके मरने पर जो स्त्री व्यभिचार करती है वह अनेक जन्मों तक वैधव्य जीवन प्राप्त करती है और दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता। देवता और पितरों की श्रद्धा पूर्वक जो कुछ दिया जाता है उसका समग्र फल उसे पति की पूजा करने से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए स्त्री को पति की ही पूजा करनी चाहिए। हे पक्षी श्रेष्ठ, पतिव्रत धर्म रूप सत्कर्म का पालन करने पर स्त्री चिरकाल तक पति लोक में निवास करती है। जब तक सूर्य और चंद्र विद्यमान हैं तब तक वह स्वर्ग में देवतुल्य बनी रहती है। उसके बाद दीर्घायु प्राप्त करके इस लोक में वैभवशाली कुल में जन्म लेती है तथा कभी भी पति वियोग का दुख नहीं झेलती। हे खगराज, मैंने ये सब तुम्हें बता दिया। अब मृत प्राणी को सुख प्रदान करने वाले विशेष कर्म को बताऊंगा। मृत्यु के बाद द्वादशा के दिन यथाविधि स्पिंडन आदि समस्त कार्य करके वर्ष पर्यंत प्रतिदिन जल पूर्ण खट और अन्न का दान एवं मासिक श्राद्ध करना चाहिए। हे पक्षिन, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किए गए कार्य की आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई मनुष्य अन्य कर्म करता है तो पूर्व का किया गया कार्य विनष्ट हो जाता है। मृतक के द्वादशा के दिन विहित कृत्य वर्ष पर्यंत पुनः करने चाहिए। इससे प्रेत अक्षय सुख प्राप्त करता है। प्रति मास जल से परिपूर्ण सन्नोदक घट का दान करना चाहिए। हिताक्षर्य वृद्धि श्राद्ध के कारण जो पुत्र अपने पिता का स्मिंडीकरण श्राद्ध कर देता है तो भी उसे प्रत्येक मास में एक पिंड अन्न और जल से पूर्ण कुंभ का दान करना चाहिए। ताक्षर ने कहा, हे विभु, आपने जिन प्रेतों का वर्णन किया है वे इस धरती पर कैसे निवास करते हैं, उनके रूप किस प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन से कर्म फलों के द्वारा महाप्रेत और पिशाच बन जाते हैं और किस शुभ दान से प्राणी को प्रेत योनि छूट जाती है, हे मधुसूदन, समस्त जगत के कल्याणार्थ मुझको ये सब बताने की कृपा कीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे तक्षर्य, तुमने मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। प्रेत का लक्षण मैं कह रहा हूं, उसे सावधान होकर सुनो। ये अत्यंत गुप्त है, जिस किसी के सामने इसको भी नहीं कहना चाहिए। तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हारे सामने इसे कह रहा हूं। हे पुत्र गरुड़, पुराने समय में बभ्रुवाहन नाम का एक राजा था जो कान्यकुब्ज नामक सुंदर नगर में रहता था। वह धर्मनिष्ठ महाप्रकर्मी यज्ञपरायण दानशील लक्ष्मीवान ब्राह्मण हितकारी
साधु सम्मत, सुशील, सदाचारी तथा दया दक्षिणा आदि सद्गुणों से संयुक्त था। मैं महाबली राजा सदैव अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता तथा क्षत्रिय धर्म का सम्यक पालन करते हुए सदैव अपराधियों को दंडित किया करता था। कभी विशाल भुजाओं वाले उस राजा ने अपनी सेना के सहित शिकार करने के लिए नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए सैकड़ों सिंगों से परिव्याप्त विभिन्न प्रकार के पक्षियों के कलरव से निनादित एक घन घोर वन में प्रवेश किया। वन के बीच में जाकर राजा ने दूर से ही एक मृग को देखा और उसके ऊपर अपने बाण को छोड़ दिया। उसके द्वारा छोड़े गए उस कठिन बाण से वह मृग अत्यंत आहत हो उठा और शीर में बिंदे हुए उस बाण के सहित वह मृग वहां से भागकर वन में लुप्त हो गया। किंतु उसकी कांख से बह रहे रक्त के चिन्हों से राजा ने उसका पीछा किया। इस प्रकार उसके पीछे पीछे वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख और प्यास से उसका कंठ सूख रहा था तथा परिश्रम करने के कारण अत्यंत थकान का अनुभव करता हुआ वह मूर्छित सा हो गया था। उसको वहां एक जलाशय दिखाई दिया। जलाशय देखकर घोड़े के सहित उसने वहां स्नान किया और कमल प्राग से सुवासित शीतल जल का पान किया। तत्पश्चात उस जल से निकलकर राजा वभ्रुवाहन विशाल वट वृक्ष की मनमोहक शीतल छाया के नीचे बैठ गया। जो पक्षियों के कलरव से निनादित तथा उस समूचे वन की पताका के रूप में अवस्थित था। उसके बाद उस राजा ने वहां पर भूख प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले एक प्रेत को देखा जिसके सिर पर केश राशि ऊपर की ओर खड़ी थी। उसका शीर मलिन, कुब्जा, मांस रहित, देखने में महाभयंकर लगता था। मात्र शीर में शेष श्यानु तंत्रिकाएं से जुड़ी हुई हड्डियों वाला वह अपने पैरों से इधर उधर दौड़ रहा था और अन्य बहुत से प्रेत उसके चारों ओर से घेरे हुए थे। हिताक्षर्य, उस विकृत प्रेत को देखकर वह भ्रुवाहन विस्मित हो गया और उस प्रेत को भी। महाभयंकर वन में आए हुए राजा को देखकर कम आश्चर्य नहीं हुआ। प्रसन्न चित्त होकर प्रेत ने उस राजा के पास जाकर कहा। प्रेत ने कहा, हे महाबाहो, आज आपके दर्शन का यह संयोग प्राप्त करके मैंने प्रेत भाव को त्याग कर परम गति प्राप्त कर ली है। मुझसे बढ़कर धन्य कोई नहीं है। तो राजा ने कहा, हे प्रेत, तुम मुझे कृष्ण वर्ण वाले भयंकर प्रेत के समान दिखाई दे रही हो। तुम्हें इस प्रकार का स्वरूप जैसे प्राप्त हुआ है वैसा मुझे बताओ। तो राजा के ऐसा कहने पर उस प्रेत ने अपने संपूर्ण जीवन वृत्त को इस प्रकार कहा। प्रेत ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं अपने संपूर्ण जीवन वृत्त का विवरण आपको आदि से सुना रहा हूं। मेरे इस प्रेतत्व का कारण सुन करके आप दयावश्य करेंगे। हे राजन, नाना रत्नों से युक्त तथा अनेक जनपदों में व्याप्त समस्त संपदाओं से भरा हुआ भिन्न पुण्यों से प्रख्यात अनेकानेक वृक्षों से आच्छादित विदिशा नाम का एक नगर है। मैं वहीं पर निरंतर देव पूजा में अनुरक्त रहकर निवास करता था। उस जन्म में मेरी जाति वैश्य की थी और नाम मेरा सुदेव था। मैं उस जन्म में हव्य से देवताओं को, कव्य से पितरों को तथा नाना प्रकार के दान से ब्राह्मणों को सदैव संतृप्त किया करता था। मेरे द्वारा दीन, हीन, अनाथ और विशिष्ट जनों की अनेक प्रकार से सहायता की गई थी, किंतु दुर्भाग्यवश वह सब कुछ मेरा निष्फल हो गया। मेरे वे पुण्य जिस प्रकार से विफल हुए मैं आपको सुनाता हूं। हितात, पूर्व जन्म में ना मेरे कोई संतान हुई, ना कोई ऐसा बंधु बांधव या मित्र ही रहा जो मेरी उधर देही क्रिया संपन्न करता। हेनरी पुत्तम, उसी के कारण मुझे यह प्रेतियों प्राप्त हुई है। हे राजन, एकादशा, त्रिपक्ष, षण्मासिक, सामासिक, प्रतिमासिक और इसी प्रकार के अन्य जो षोडश श्राद्ध हैं वे जिस प्रेत के लिए संपन्न नहीं किए जाते हैं उस प्रेत की प्रेत योनि बाद में स्थिरता को प्राप्त कर लेती है। भले ही बाद में क्यों ना उसके लिए सैकड़ों श्राद्ध किए जाएं। हे महाराज, ऐसा जानकर आप मेरा इस प्रेत योनि से उद्धार करें। राजा को सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। मैं आपको एक मणि रत्न दे रहा हूं। हे राजेंद्र, इस नरक से मुझे उबार लें। हे नृपश्रेष्ठ, हे महाबाहो, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है
तो जिस प्रकार से मुझे शुभ गति प्राप्त हो मेरे लिए वही उपाय करें और आप अपना ही भी समस्त प्रकार से उधर देवी कार्य करें। तो राजा ने कहा, हे प्रेत, उधर देही कर्म करने पर भी प्राणी कैसे प्रेत हो जाते हैं? किन कर्मों को करने से उन्हें पिशाच होना पड़ता है तुम उसे भी बताओ। तो प्रेत कहने लगा, है निर्पश्रेष्ठ, जो लोग देव द्रव्य, ब्राह्मण द्रव्य और स्त्रियों बालकों के संचित धन का अपहरण करते हैं वे प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। जिनके द्वारा तपस्विनी सगोत्रा एवं अगम्या स्त्री का भोग किया जाता है, जो कमल पुष्पों की चोरी करते हैं वे महाप्रेत होते हैं। हे राजन, जो हीरा मूंगा सोना और वस्त्र के भरता है, जो युद्ध में पीठ दिखाते हैं, जो कृतधन नास्तिक क्रूर तथा दुस्साहसी हैं, जो पंच यज्ञ नहीं करते किंतु बहुत बड़े बड़े दान देने में अनुरक्त रहते हैं, जो अपने स्वामी से वैर करते हैं, जो मित्र और ब्राह्मण द्रोही हैं, जो तीर्थ में जाकर पाप कर्म करते हैं वे प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। हे महाराज, इस प्रकार इन सभी प्राणियों का जन्म प्रेत योनि में होता है। तो राजा ने कहा, हे प्रेतराज, इस प्रेतत्व से तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? मैं किस प्रकार से अपना उधर देवी कार्य कर सकता हूं? यह कार्य किस विधान से संभव है? ये सब कुछ मुझे बताइए। तो प्रेत ने कहा, हे राजेंद्र, संक्षेप में नारायण बलि की विधि सुने। मैंने सुना है कि सद ग्रंथों का श्रवण, विष्णु का पूजन तथा सज्जनों का साथ प्रेत योनि को नष्ट करने में समर्थ होता है। अतः मैं आपको प्रेतत्व भाव को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा का विधान बताऊंगा। हे राजन, दो स्वर्ण लेकर गए, उससे भगवान नारायण की सभी आभूषणों से विभूषित प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए। मूर्ति को दो पीले वस्त्रों से आच्छादित करके चंदन तथा अग्रों से सुवासित करें। तंत्र नाना तीर्थों से लाए गए पवित्र जल के द्वारा सविधि स्नान कराकर तथा अधिवासित करके पूर्व में भगवान श्रीधर, दक्षिण में भगवान मधुसूदन, पश्चिम में भगवान वामन, उत्तर में भगवान गदाधर, मध्य में पिता में ब्रह्मा और भगवान महेश्वर की विधिवत पूजा गंध पुष्प आदि से पृथक पृथक रूप में की जाए। तत्पश्चात तो उस देव मंडल की प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं की संतुष्टि के लिए आहुति दें। घृत दही और दूध से विश्व देवों को संतृप्त करें। इसके बाद यजमान फिर से स्नान करके विनम्रतापूर्वक एकाग्रचित्त से भगवान नारायण के सामने विधिवत अपनी उधर देही क्रिया संपन्न करें। विनीत भाव से क्रोध एवं लोभ रहित होकर कार्य आरंभ करना चाहिए। इस अवसर पर सभी श्राद्ध और वृष उत्सर्ग करने चाहिए। 13 ब्राह्मणों को वस्त्र, छत्र, जूता, मुक्तामणि, जड़ित, अंगूठी, पात्र, आसन और भोजन देकर संतुष्ट करें। इसके बाद प्रेत कल्याण के लिए अन्न और जल पूर्ण कुंभ का दान देना चाहिए। शिया दान करके घट दान भी प्रेत के उद्देश्य से करें। तंत्र नारायण नाम ही सत्य है ऐसा कहकर संपुट में स्थित भगवान नारायण की पूजा करें। ऐसा विधिवत करने पर निश्चित ही प्राणी को शुभ फल प्राप्त होता है। राजा ने कहा, प्रेत घट कैसा होना चाहिए, उसका प्रदान करने का क्या विधान है? सभी प्राणियों पर कृपा करने के लिए तुम प्रेत के लिए मुक्तिदायक घट के विषय में मुझे बताओ। तो प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने बहुत बड़ा प्रश्न अच्छा किया है। जिस दान से प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता उसे मैं कहता हूं, सुने। प्रेत घट नाम का दान समस्त अमंगलों का विनाशक है। दुर्गति को क्षय करने वाला वह प्रेत घट का दान सभी लोगों में दुर्लभ है। संतप्त स्वर्ण में घट बनवाकर उसे घृत और दूध से परिपूर्ण करके लोकपालों सहित ब्रह्मा, विष्णु और केशव को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान दे दें। अन्य सैकड़ों दान देने से क्या लाभ? इसके मध्य भाग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा पूर्व आदि सभी दिशाओं में और कंठ भाग में यथाक्रम लोकपालों की विधिवत पुष्प, धूप एवं चंदन आदि से पूजा करके उसे दूध और घी से पूर्ण स्वर्ण में घट दान में देना चाहिए। ये सभी दानों से बढ़कर दान है।
इस दान से सभी महापातकों का विनाश हो जाता है। प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए श्रद्धापूर्वक ये दान अवश्य करना चाहिए। श्री भगवान जी ने कहा है, वंते, उस प्रेत के साथ इस प्रकार का वार्तालाप राजा का चल ही रहा था कि उसी समय उनके पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए हाथी, घोड़े तथा रथ से पर्याप्त उसकी सेना वहां पर आ पहुंची। सेना के वहां आ जाने पर प्रेत ने राजा को एक महामणि देकर प्रणाम किया और अपने प्रेतत्व मुक्ति की प्रार्थना करके अदृश्य हो गया। उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया। हे पक्षी, नगर में पहुंचकर राजा ने उस प्रेत के द्वारा कही गई संपूर्ण उद्धार देही क्रिया को विधि विधान से संपन्न किया। उसके पुण्य से प्रेत बंधन विमुक्त होकर स्वर्ग चला गया। हे करुड़, पुत्र के द्वारा दिए गए श्राद्ध से पिता को सदगति प्राप्त होती है। इसमें आश्चर्य क्या है? जो मनुष्य इस पुण्यदायक इतिहास को सुनता है और जो सुनाता है, वे पापाचार से युक्त होने पर भी प्रेतत्व योनि को प्राप्त नहीं होता है। गरुड़ प्राण के धर्म कांड में प्रेतत्व मुक्ति के उपाय। गरुड़ जी ने कहा है, मधुसूदन, जिस दान या सत्कर्म से प्राणी की प्रेत योनि छूट जाती है, उसे बताने की कृपा करें। इसके ज्ञान से लोगों का बड़ा कल्याण होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा है, पक्षीराज, सुनो, मैं तुम्हें समस्त अमंगलों को विनिष्ठ करने वाले दान को बता रहा हूं। शुद्ध स्वर्ण का घट बनाकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा लोकपालों सहित उनकी पूजा करके दुग्ध और घृत से परिपूर्ण उस घट को सुपात्र ब्राह्मण को दान में देने से प्रेतत्व से मुक्ति मिल जाती है। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती, अतः यथाविधान पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। मृत व्यक्ति को गोबर से लिपी गई मंडलाकार भूमि में स्थापित करना चाहिए। भूमि गोबर से लिपने पर पित्र हो जाती है तथा मंडल का निर्माण करने से उस स्थान पर देवताओं का वास हो जाता है। ऐसे ही मृत व्यक्ति के नीचे तिल और कुश बिछाने से जीव को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। साथ ही मृत व्यक्ति के मुंह में पंचरत्न डालने से जीव को शुभ गति मिलती है। हे तक्षरीय, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न है, इसलिए वे सदा पवित्र हैं। इस प्रकार कुश की उत्पत्ति मेरे रोम से हुई है। कुशयुक्त भूमि अपने ऊपर विद्यमान मृत जीव को निसंदेह स्वर्ग पहुंचा देती है। कुश में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, ये तीनों देव प्रतिष्ठित रहते हैं। त्रयो देवा कुशे स्थिता। हे पक्षीराज, ब्राह्मण मंत्र कुश, अग्नि तथा तुलसी, ये बार बार प्रयोग में लाए जाने पर भी बासी नहीं होते हैं। इसी तरह विष्णु, एकादशी व्रत, भगवत गीता, तुलसी, ब्राह्मण तथा गौ, ये छह संसार सागर से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इसलिए ही करुड़, तिल, कुश और तुलसी ये आतुर व्यक्ति की दुर्गति को रोककर उसे सदगति दिलाते हैं। आतुर काल में दान की भी विशेष महिमा है। भगवान विष्णु की देह से लवण का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः आतुर काल में लवण दान करने से भी जीव की दुर्गति नहीं होती। गरुड़ प्राण के धर्म कांड में दान की महिमा, आतुरकाल के दान का वैशिष्ट, वैतरणी गौ दान की महिमा। श्री कृष्ण ने कहा है, तक्षर, देवताओं के लिए परम गोपनीय दानों में उत्तम और सभी दानों में श्रेष्ठ दान को सुनो। हे गरुड़, रुई का दान सभी दानों में उत्तम तथा महान है। उसका दान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। उसके दान से भू, भव, स्व अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और सर के तीनों लोक प्रसन्न उठते हैं। इस कार्य से ब्रह्मा आदि सभी देवों की प्रसन्नता होती है। प्रेत का उद्धार करने के लिए इस महादान को करना चाहिए। ऐसे महादान का दाता चिरकाल तक रुद्र लोक में रहता है। तंत्र इस लोक में जन्म लेकर रूप संपन्न, सौभाग्यशाली, वाक चतुर, लक्ष्मीमान तथा अप्रतिहत प्राकर्मी राजा होता है।
अपने सुकृतों से यमलोक को जीतकर वह स्वर्गलोक में जाता है। जो प्राणी ब्राह्मण को गौ, तिल, भूमि तथा स्वर्ण का दान देता है, उसके जन्म जन्म अर्जित सभी पाप उसी क्षण में नष्ट हो जाते हैं। तिल और गौ का दान महादान है, इसमें महापापों को नाश करने की शक्ति होती है। ये दोनों दान केवल विप्र को देने चाहिए, अन्य वर्णों को नहीं। दान के रूप में संकल्पित तिल, गौ तथा पृथ्वी आदि द्रव्य अपने पोष्य वर्ग एवं ब्राह्मणेतर वर्ण को ना दें। पोष्य वर्ग और स्त्री जाति को असंकल्पित वस्तु दान में देनी चाहिए। रुग्ण अवस्था में अथवा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के अवसर पर दिए गए दान विशेष महत्व रखते हैं। रोगी के लिए जो दान दिया जाता है वह उसके लिए तत्काल यथोचित फल देने वाला होता है। यदि रोगी दान देने के बाद रोग मुक्त होकर पुनः जीवन प्राप्त कर लेता है तो उसके निमित्त दिया गया दान निश्चित ही उसे प्राप्त होता है। विकल इंद्रियों की विकलांगता को नष्ट करने के लिए जो दान दिया जाता है वह दान भी अवश्य ही यथा योग्य फलदायक होता है। जिस दान का पुत्र अनुमोदन करता है उस दान का फल अनंत होता है। अतः जिसके सगे संबंधी अथवा पुत्र को तब तक दान देना चाहिए जब तक उसका आदर संबंधी या पिता जीवित हो, क्योंकि अतिवाहिक प्रेत उसका भोग करता है। अस्वस्थ अवस्था में आतुर काल में देहपात हो जाने पर पृथ्वी पर बड़े रहने की स्थिति में दिया गया दान अतिवाहिक शरीर के लिए प्रीतिकारक होता है। लंगड़े, अंधे, काने और अर्ध निमिलित नेत्र वाले रोगी के लिए तिल के ऊपर कुश बिछाकर उसके ऊपर आतुर को लिटा दिया जाता है। उस समय लिटा कर दिया गया दान उत्तम और अक्षय होता है। तिल, लो, स्वर्ण, रुई, नमक, सद्धान्य, भूमि तथा गौ ये एक से बढ़कर एक पवित्र माने गए हैं। लो दान से यमराज और तिल दान से धर्मराज संतुष्ट होते हैं। नमक का दान करने पर प्राणी को यमराज से भय नहीं रह सकता। रुई का दान करने पर भूत योनि से भय नहीं रहता। दान में दी गई गायें मनुष्य को त्रिविध पापों से निर्मुक्त करती हैं। स्वर्ण दान से दाता को स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। भूमि दान से दाता राजा होता है। स्वर्ण और भूमि इन दोनों का दान देने से प्राणी को नरक में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। यमलोक में जितने भी यमराज के दूत हैं वे सभी उसी यम के समान ही महाभयंकर हैं। सब धान्य का दान देने से वे प्रसन्न होकर दान देताओं के लिए वरदाता बन जाते हैं। हे गरुड़, भगवान विष्णु का स्मरण मात्र करने से प्राणी को परम गति प्राप्त होती है। मनुष्य जो गति प्राप्त करता है वह सब मैंने तुम्हें बता दी। पिता की आज्ञा से जो पुत्र दान देता है उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। भूमि पर सुनाए गए मरणासन पिता के उद्देश्य से जो पुत्र सभी प्रकार का दान देता है वे पुत्र कुल नंदन है। उसके द्वारा दिया गया दान गया तीर्थ में किए गए श्राद्ध से भी बढ़कर है। वे पुत्र अपने कुल को आनंदित करने वाला होता है। जिस समय अपने लोक को छोड़कर बेचैन पिता की परलोक यात्रा का काल समीप हो उस समय पुत्रों को प्रयत्न पूर्वक दान देना चाहिए, क्योंकि वे ही दान पिता को पार करते हैं। पुत्र को पिता की अंत्येष्टि क्रिया अवश्य संपन्न करनी चाहिए। इतना करने मात्र से सभी अन्य बहुविध दानों का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अश्वमेध जैसा महायज्ञ भी इस पुण्य के 16वें अंश की समता नहीं रखता। पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता से जो धर्मात्मा पुत्र दान दिलाता है उसकी पूजा देवता भी करते हैं। लोक का दान करने वाला दाता महाभयानक आकृति वाले यमराज के निकट ना तो जाता है और ना तो नारकीय लोक को भी प्राप्त करता है। पापियों को भयभीत करने के लिए यमराज के हाथों में कुठार, मूसल, दंड, खड्ग और छुरिका रहती है। इसलिए प्राणी को चाहिए कि वे ब्राह्मण को लो दान दे। ये दान यमराज के आयुधों की संतुष्टि के लिए कहा गया है। गर्भस्थ प्राणी, शिशु, युवा और वृद्ध ये जो भी हैं, इन दानों से अपने समस्त पापों को जला देते हैं। श्याम एवं सबल वर्ण के दंड तथा मर्क और गुलर के सदृश मांसल हाथ में छुरी धारण करने वाले
काले चितकबरे यम के दूत लो दान से प्रसन्न होते हैं। यदि पुत्र पौत्र बंधु बांधव गोत्री और मित्र अपने रोगी के लिए दान नहीं देते तो वे ब्रह्महंता के समान ही पापी हैं। हे पक्षिंद्र, भूमि पर स्थित प्राणी की मृत्यु हो जाने पर उसकी क्या गति होती है इसे सुनो। अतिवाहिक शरीर वाला प्रेत वर्ष समाप्त होने के पश्चात पुनः पुण्य का लाभ प्राप्त करता है। इस संसार में 3 अग्नि, 3 लोक, 3 वेद, 3 देवता, 3 काल, 3 संधियां, 3 वर्ण तथा 3 शक्तियां मानी गई हैं। मनुष्य के शरीर में पैर से ऊपर कटी प्राण तक ब्रह्मा निवास करते हैं। नाभि से लेकर ग्रीवा भाग तक हरि का वास होता है और इससे ऊपर मुख से ऊपर मस्तक तक व्यक्त तथा व्यक्त स्वरूप वाले महादेव शिव का निवास है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और महेश इनका शरीर में 3 भागों में अवस्थान है। मैं ही जरायुस अंडज स्वेदज तथा उद्भिज के शरीर में प्राण रूप में स्थित रहता हूं। धर्म अधर्म सुख दुख तथा कृत कृत में बुद्धि को मैं ही प्रेरित करता हूँ। मैं ही स्वयं प्राणी की बुद्धि में बैठकर पूर्व कर्म के अनुसार उसको फल प्रदान करता हूँ। प्राणियों को मैं ही कर्म से प्रेरित करता हूँ, उसी के अनुसार प्राणी निश्चिंत ही स्वर्ग नरक और मोक्ष प्राप्त करता है। स्वर्ग तथा नरक में गए हुए प्राणी की तृप्ति श्राद्ध के द्वारा होती है, इसलिए विद्वान व्यक्ति को 3 प्रकार का श्राद्ध करना चाहिए। मत्स्य कूर्म वरा नरसिंह वामन परशुराम श्रीराम कृष्ण बुद्ध तथा कलि, ये 10 नाम सदैव मनुष्यों के लिए स्मरण करने योग्य हैं। इनका स्मरण करने से स्वर्ग में गए हुए प्राणी सुख का भोग करते हैं और स्वर्ग से पुनः इस लोक में आने पर सुख और धन धान्य से पूर्ण होकर दया दाक्षिण्य आदि सद्गुणों से भरे रहते हैं। वे पुत्र पोत से युक्त तथा धनाढ्य होकर 100 वर्ष तक जीते हैं। रोगग्रस्त होने पर मनुष्य के लिए दान देना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी या करानी चाहिए। उस समय उसे अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर महामंत्र का जप करना चाहिए। श्वेत पुष्प से घी में पकाए हुए नैवेद्य से गंध धूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए तथा श्रुतियों और स्मृतियों में अविवर्णित स्तुतियों से भगवान विष्णु की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। विष्णु ही माता हैं, विष्णु ही पिता हैं, विष्णु ही अपने सजन और बांधव हैं। जहाँ पर मैं विष्णु को नहीं देखता हूँ वहाँ निवास करने से मुझे क्या लाभ। विष्णु जल में हैं, विष्णु स्थल में हैं, विष्णु पर्वत की चोटी पर हैं और विष्णु चारों ओर से माला रूप में घिरी हुई ज्वालमाला से व्याप्त स्थान में अवस्थित हैं। ये संपूर्ण जगत विष्णु में है। ब्राह्मण जल पृथ्वी आदि जितने भी पदार्थ हैं उन्हें अपना ही स्वरूप समझना चाहिए। इसलिए हे खगेश, किसी भी स्थान पर मनुष्य पूर्व जन्म अर्जित पाप पुण्य के अनुसार जिस कर्म को करता है उसका फलदाता मैं ही हूं। मैं ही प्राणी की बुद्धि को धर्म में नियुक्त करता हूं और मुक्ति मैं ही देता हूं। हे ताक्षर्य, अंत समय आने पर मनुष्यों का हित करने वाले वैतरणी नदी मानी गई है, उसी के जल से अपने पाप समूह को धोकर प्राणी विष्णु लोक को जाता है। बाल्यावस्था का जो पाप है, कुमार अवस्था में जो पाप हुआ है, यौवन अवस्था का जो पाप है और जन्म जन्मांतरों में समस्त अवस्थाओं के बीच जो भी पाप किया गया है, रात्रि प्रातः मध्यान्ह अपराह्न तथा दोनों संध्याओं के मध्य मन वाणी और कर्म से जो पाप हुआ है, उस सभी पापों के समूह से प्राणी अपना उद्धार अंतिम क्षण में सर्व कामनाओं को सिद्ध करने वाली एक भी श्रेष्ठमा कपिला गौ का दान दे करके कर सकता है। गौ दान करते समय परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, परमात्मा गाय ही मेरे आगे रहें, गाय ही मेरे पीछे और पार्श्व भाग में रहें, गाय ही मेरे हृदय में निवास करें, मैं गायों के बीच में रहूं, जो सभी प्राणियों की लक्ष्मी स्वरूपा हैं, जो देवताओं में प्रतिष्ठित हैं, वे गोरूपणी देवी मेरे सभी पापों को विनष्ट करें। गरुड़ प्राण के धर्मकांड में उद्धार देही क्रिया में विहित पद
आदि विविध दानों का फल तथा जीव को प्राप्त देह के स्वरूप का वर्णन। श्री विष्णु का ही गरुड़ जो मनुष्य पापाचार में लगे हुए हैं वे यमलोक को जाते हैं। यदि मुझको साक्षी बनाकर मनुष्य के द्वारा दान दिया जाता है तो वह अनंत फलदायी होता है। भूमि दान देने वाला प्राणी दान में दी गई भूमि के रजकणों की जितनी संख्या होती है उतने वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो जूते का दान देते हैं घोर या मार्ग में वे घोड़े पर सवार होकर चलते हैं। छत्र दान करने से प्रेत यमलोक में कहीं पर भी धूप से नहीं जलते, वे सुखपूर्वक अपने पथ में चलते चले जाते हैं, जिसके उद्देश्य से मनुष्य जो अन्न दान देता है उससे वह संतृप्त हो जाता है। यमलोक के महापथ में एक ऐसा भी स्थान है जहां घनघोर अंधकार है, वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, किंतु दीप दान देने से मनुष्य उस मार्ग में प्रकाश से युक्त प्राणी के समान हो जाते हैं। अश्विनी, कार्तिक तथा माघ मास, मृत तिथि और चतुर्दशी तिथि में दिया गया दान सुख कारक होता है। जब तक वर्ष न पूरा हो जाए तब तक प्रतिदिन प्रेत को उबड़ खाबड़ मार्ग में सुखपूर्वक गमन करने की इच्छा से लोगों को दीप दान करना चाहिए। जो मनुष्य दीप दान करता है वह स्वयं प्रकाश में होकर संसार का पूज्य हो जाता है। वह शुद्ध आत्मा अपने कुल में द्योतित होता है और प्रकाश स्वरूप को प्राप्त करता है। हे खगेश, दिवाले में पूर्व की ओर मुख करके ब्राह्मण के लिए उत्तर अभिमुख तथा प्रेत के निमित्त दक्षिण अभिमुख होकर सुस्थिर दीपक का दान जल से संकल्प पूर्वक करना चाहिए। इस संसार में जो सभी प्रकार के उपहारों से युक्त 13 पद दान मृत व्यक्ति के लिए तथा जीवित दशा में अपने लिए करता है वह महान कष्टों से मुक्त होकर महापद की यात्रा करता है। आसन, पात्र, भोजन जो ब्राह्मण को देता है वे उसी के पुण्य से सुखपूर्वक खाता पीता हुआ महापथ को पार करता है। कमंडलों का दान देने से प्यासा प्रेत जल प्राप्त करता है। प्रेत का उद्धार करने के लिए एकादशा को पात्र, वस्त्र, पुष्प तथा अंगूठी का दान देना चाहिए। इसी प्रकार प्रेत का शुभेच्छु बनकर जो पुत्र यथाशक्ति 13 पदों का दान करता है उससे प्रेत को प्रसन्नता प्राप्त होती है। भोजन, तिल, जल, पूर्ण 13 घट, अंगूठी तथा उत्तरीय तथा अधो वस्त्र का जो दान देता है उस दान के पुण्य से प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। जो अश्व, नौका तथा हाथी का दान ब्राह्मण को देता है वे उसी देव वस्तु की महिमा के अनुसार उन सुखों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भैंस का दान देता है वे नाना प्रकार के लोकों में विचरण करता है। यमदूतों के हर्षवर्धन के लिए तांबूल और पुण्य का पुष्प का दान देना चाहिए, इससे संतुष्ट होकर वे दूत उस प्रेत को कष्ट नहीं देते हैं। प्राणी को यथाशक्ति गौ, भूमि, तिल तथा स्वर्ण का दान अवश्य करना चाहिए, ऐसा मनीषियों ने कहा है। जो व्यक्ति मृत प्राणी के लिए जल से परिपूर्ण मिट्टी का पात्र दान करता है उसे 1000 जलपुन पात्र के दान का फल प्राप्त होता है। यमराज के दूत महाक्रोधी, महाभयंकर आकृति वाले, काले तथा पीले वर्ण के हैं। वे वस्त्र दान किए जाने पर मृत प्राणी को यमलोक में कष्ट नहीं देते हैं। त्रिषा और श्रम से पीड़ित होकर महापथ में आगे बढ़ता हुआ प्रेत अन्न और जल से पूर्ण घट का दान देने से निश्चित ही सुखी हो जाता है। दक्षिणा, अस्त्र शस्त्र, वस्त्र तथा विष्णु की सर्प प्रतिमा से युक्त शैया का दान भी ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा करने से प्रेत योनि का प्रत्याग करके प्राणी स्वर्ग में देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक निवास करता है। हे ताक्षरी, ये अंत्येष्टि क्रम में होने वाला दान मैंने तुमसे कहा, मृत प्राणी अन्य शरीर में कैसे प्रवेश करता है अब मैं उसको कहूंगा। हे परमतप, मृत्युलोक में जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु निश्चित है, इसलिए अपने अपने धर्म के अनुसार मृत व्यक्ति का श्राद्ध आदि कृत्य करना चाहिए। हे खगेश्वर, मरे हुए प्राणियों के मुखमंडल से पहले जीवात्मा वायु का सूक्ष्म रूप धारण करके निकल जाता है। लोगों के नेत्रादि नौ द्वार, रोम तथा तालुरंध्र से भी जीवात्मा बाहर हो जाता है, किंतु जो पापी हैं उनका जीवात्मा अपान मार्ग से शरीर छोड़ता है।
प्राणवायु के निकल जाने पर शीर पृथ्वी पर वैसे ही गिर पड़ता है जैसे वायु के थपेड़े से आहत होकर निराधार वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ता है। मृत्यु के बाद शीर में स्थित पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, तेजस तत्व तेज में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में और सर्वव्यापी आत्म तत्व शिव में लीन हो जाता है। हिताक्षरे, काम क्रोध तथा पंचेंद्रियों का समूह शीर में चोर के समान स्थित कहा गया है। देह में काम क्रोध तथा अहंकार सहित मन ही रहता है, वही सबका नायक है। पुण्य पाप से संयुक्त होकर काल उसका संहारक बन जाता है। संसार में भोग के लिए योग्य शीर का निर्माण अपने कर्म के अनुसार होता है। मनुष्य अपने सत्कर्म और दुष्कर्म से दूसरे शीर में प्रविष्ट होता है। जिस प्रकार पुराने घर के जल जाने पर ग्रही नए घर में जाकर शरण लेता है, उसी प्रकार ये जीव भी विषयों के साथ पंच इंद्रियों से युक्त नौ द्वार वाले एक शीर को छोड़कर दूसरे शीर में आश्रय ग्रहण करता है। शीर में विद्यमान धातुएं माता पिता से ही प्राप्त होती हैं। इन्हीं से निर्मित यह शीर षटकोशिक कहलाता है। हे गरुड़, शीर में सभी प्रकार के वायु रहते हैं। मूत्र परिष तथा उन्हीं के योग से उत्पन्न अन्य व्याधियां रहती हैं। अस्थि शुक्र तथा स्नायु शीर के साथ ही जल जाते हैं। हे पक्षिन, सभी प्राणियों के शीर का विनाश क्रम यही है, इसे मैंने कह दिया। प्राणियों का शीर कैसा होता है उसको अब मैं फिर से कह रहा हूं। हे गरुड़, पुरुष का शीर छोटी बड़ी नसों से बंधा हुआ एक स्तंभ है, जिसको नीचे से पैर रूपी दो अन्य स्तंभ धारण किए हैं। पंच इंद्रियों सहित उसमें दो द्वार हैं। संसारिक विषयों से युक्त एवं काम क्रोध से बेचैन जीव इस शीर में रहता है। राग द्वेष से व्याप्त ये शीर तृष्णा का दुष्टर दुर्ग है। नाना प्रकार के लोभों से भरे हुए जीव का यह शीर पुर है। यही स्थिति सभी शीरों की है। इसी शीर में सभी देवता 14 लोक स्थित हैं। जो लोग अपने को नहीं पहचानते वे पशु के समान माने गए हैं। हे पक्षीराज, इस प्रकार ऊपर बताई गई प्रक्रिया से निर्मित शीर का वर्णन मैंने किया। शिष्टि में 84 लाख योनियां बताई जाती हैं, जो उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज इन 4 मुख्य भागों में विभक्त हैं।